हमारे साथ डीजे पंकज के ऑनर हैं, सिंह के बेताज बादशाह डीजे शशि झारखंड नंबर वन। कि आपका डीजे क्या वाटर प्रूफ है क्या? अभी जो साउंड आप लोग सुने ये 8 बेस का साउंड सिस्टम था, क्षमा मांगते हैं हम, काफी मतलब हम भी दुखी हैं। बाकी अपना रोड शो के बारे में बता दिया, लाइटिंग वगैरह कुछ ठीक है? लाइटिंग भी सेम टू सेम रहेगा, आप लोगों को बड़ा रोड शो मिलेगा ही, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे थोड़ा सा थाना पुलिस का परमिशन का विषय, अगर ज्यादा भीड़ हम लगा देंगे ना तो फिर कल मतलब मेरा दिक्कत कर देगा, इसीलिए हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। मैं आपका डीजे गौतम जायसवाल, और आज है 15 तारीख और हम लोग पहुंच चुके हैं बोकारो सेक्टर 4, जहां पे आप लोगों को पता होगा जितने भी साउंड वाले भाई हैं जो यूट्यूब में रेगुलर अपडेट रहते हैं कि बोकारो सेक्टर 4 में पंकज डीजे का सेटअप लगने वाला था गणपति विसर्जन में। तो हम लोग भी पहुंच चुके हैं, हमारे साथ देख सकते हैं किसान भाई है, और उधर ये भी भाई लालू साउंड चंदवारा से आए हैं भाई भी, और पंकज डीजे का सेटअप हुआ वहाँ पे, सेटअप अभी इधर ही लगा हुआ है। और अभी हम लोग पहुंचे हैं और पानी पूरा जोर से पड़ रहा है यहाँ पे, मतलब सुबह से जो बारिश लगा हुआ है वो लगा हुआ है, और अभी जस्ट हम लोग यहाँ पे आए हैं, थोड़ा सा नाश्ता वगैरह किए और यहाँ पे आए हैं। तो आइए आप लोगों को दिखाते हैं अभी सेटअप ऑन होगा और क्या क्राउड है, किस टाइप से क्या है, जो भी जितना पॉसिबल होगा सारा कुछ आप लोगों को दिखाने का कोशिश करते हैं। और चलिए सबसे पहले आप लोगों को साउंड चेक सुनाते हैं। थैंक यू। फाइनली दोस्तों यहाँ पे साउंड चेक स्टार्ट कर दिया गया है, क्राउड आप लोगों को दिखाते हैं एक बार। पहुंच चुके हैं हम लोग भी बोकारो, जल्दी जल्दी आइए, पानी के कारण देख लीजिए तिरपाल भी सही से नहीं हटा पाए हैं, इतना बारिश हो रहा है कल से कि तिरपाल भी नहीं हटा है। और अभी हम लोग भी पहुंच चुके हैं यहाँ पे, क्राउड लाइट का थोड़ा सा इशू है, नहीं तो क्राउड आप लोग को दिखाते कितना है, और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। क्राउड आप लोग देख सकते हैं, और बारिश के कारण पूरा सेटअप को अभी ढक के रखा गया है। आइए आप लोग को सेटअप दिखाते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे देख सकते हैं सारा न्यू। Yeah.
हमारे साथ डीजे पंकज के ऑनर हैं और सभी का कमेंट आ रहा है कि आपका डीजे क्या वाटरप्रूफ है क्या? आपको मतलब लाइट खराब हो जाएगा इसका टेंशन नहीं है क्या? इस टाइप से कमेंट आ रहा है काफी सारा। दोस्तों ऐसा नहीं, कोई बात नहीं है। लाइटिंग जो है कि हम लोग
उतना लाइटिंग को मायने नहीं रखते हैं। लाइटिंग जब दो चार खराब भी हो जाएगा तो अपने रिपेयरिंग करते हैं, इसलिए हम लोग उस लाइटिंग में डरते नहीं है। इसमें थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा पार्ट्स लगता है तो वो 2-3 हज़ार का मतलब मैटर है। लेकिन आज रहा बात पूरा सेटअप में, जैसा हम लोग चाहे थे कि एक रिजल्ट निकलेगा, वो रिजल्ट हम लोग नहीं निकाल पाए, क्योंकि जो हम लोग का डीजी जो मिला वो डीजी तीनों डीजी फेल हो गया। हम लोग का जो कमेटी दिया था, एक डीजी जो हम लाए उसी से हम लोग रोड शो चला रहे हैं। अभी जो साउंड आप लोग सुने ये 8 बेस का साउंड सिस्टम था, पूरा 30 का 30 नहीं बजा, तो इसके लिए आप लोग से मतलब क्षमा मांगते हैं हम। काफ़ी मतलब हम भी दुखी हैं कि उतना दूर से दूर आप लोग को बुलाएं, आप पूरा साउंड सिस्टम का मज़ा नहीं दे पाएं। कोई बात नहीं, नेक्स्ट रोड शो में ज़रूर आप लोग इससे भी ज़्यादा मतलब सेटअप का क्वालिटी मिलेगा आप लोग। जैसा कि आप लोग को पता चल गया ये पूरा सेटअप नहीं बज रहा है, और पंकज भैया के हिसाब से ये पूरा सेटअप नहीं बज रहा है। और जैसा कि कमेंट आ रहा है कि आपका सेटअप क्या वाटरप्रूफ है क्या? वाटरप्रूफ है, बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा है। जैसे बॉक्स सिस्टम जो है वो वाटरप्रूफ है, बाकी सरपी वगैरह तो बता ही दिया आप लोगों को कि वो माइनर ही होता है, उसमें हम लोग का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है कुछ। तो बारिश की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, बट और कुछ पब्लिक के लिए बोल दीजिए। बस यही सब है कि बारिश की वजह से हम लोग साउंड सिस्टम को मतलब टाइमिंग से टेस्टिंग नहीं कर पाए, इसके कारण से ये प्रॉब्लम हम लोग को फेस करना पड़ा। काफ़ी हम लोग भी नाराज हैं और क्या बताएं। चलिए नेक्स्ट रोज शो में आप लोग का पूरा प्रयास रहेगा, पंकज भैया का पूरा प्रयास रहेगा कि बेस्ट से बेस्ट देंगे अपना वो। ऐसे सेटअप हम मेरा बेस्ट ही था, आप लोग सुने अच्छा बज रहा है, अच्छा बज रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा बज रहा है, कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि नॉर्मल खराब बज रहा है नहीं। सेटअप लेकिन जो क्वालिटी हम लोग को अपना मन से होना चाहिए, मतलब जो हम लोग चाह रहे थे सुनना वो चीज़ नहीं हो पाए। आप लोग तो समझ रहे हैं कि अगर 3-3 जनरेटर फेल होने के बाद 125 केवी का जनरेटर में क्या बजेगा 30 बेस, तो आप समझ पा रहे हैं ना तो क्या बोलना चाह रहे हैं कि वो जो दो दो तीन तीन डीजी जो फेल हो गया, अगर तीनों डीजी आ जाता तो और बढ़िया बजता। चलिए नेक्स्ट और बहुत सारा अपडेट आप लोग को मिलता रहेगा। तो आप लोग का जो डाउट था साउंड वाटर प्रूफ है वो आप लोग से पूछ दिए लाइव में, तो ठीक है पंकज भैया से मिलकर अच्छा लगा। सिंह के बेताज बादशाह डीजे शशि झारखंड नंबर 1 जो कि थे, अभी भी हैं और हमेशा रहेंगे। बताइए कुछ पब्लिक लाइव में भी जुड़े हुए हैं और वीडियो भी चल रहा है, किस चीज़ के बारे में बताना है? यहाँ आए कैसा लगा सेटअप और आपका अपना रूट शो के बारे में बताइए। अभी एक्चुअल में हम सेटअप पूरा सामने से सुने नहीं, और जहाँ तक कि हम सुने कि डीजी थोड़ा डिस्टर्ब दिया हुआ है, फिर भी 125 केवी का डीजी से इतना बड़ा सेटअप बज रहा है तो उस हिसाब से तो ठीक ही बज रहा है। नहीं क्वालिटी ठीक ठाक ही है, ठीक ठाक नहीं अच्छा है। बाकी डीजी का काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है इस कारण से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। बाकी अपना रोड शो के बारे में बता दिया 18 तारीख वाला। हमारा रोड शो 18 तारीख को वही रोड शो है जो कतरास में था, तो जितने भाई लोग अगर दूर से आना चाह रहे हैं तो आप लोगों को बोलेंगे कि जो कतरास में रोड शो सुन चुके हैं वो लोग नहीं भी आएंगे तो भी चलेगा, क्योंकि वही सेटअप लग रहा है, छोटा सेटअप 10-20 वाला। लाइटिंग वगैरह को ठीक है, लाइटिंग भी सेम टू सेम रहेगा। और बड़ा रोड शो का अपडेट हम 2-3 दिन बाद दुर्गा पूजा वाला जो है वो खुद से देंगे कमेटी के साथ में जाके, क्योंकि अभी थोड़ा सा थाना से परमिशन का वो बातचीत नहीं हुआ, जब वो क्लियर हो जाएगा तो ही हम बड़ा रोड शो का अपडेट देंगे अपना। और पब्लिक के लिए कुछ बोल दीजिए। आप लोग भाई लोग बहुत ज्यादा प्यार दिखा रहे हैं, आज हम देखे कि इतना ज्यादा पानी उस दिन में भी कतरास में भी हम लोग का उतना छोटा सेटअप था, तो आप लोगों ने उतना दूर से आके इतना ज्यादा प्यार दिखाए, और आज भी दोस्तों पानी पड़ते हुए भी देख रहे इतना ज्यादा भीड़ है, तो डीजे को लेकर क्रेज झारखंड में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, ये देख के अच्छा लग रहा है। बस इसी तरह आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, हम लोग भी आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए जितना भी हो सकेगा उतना मेहनत करते रहेंगे। ठीक है, आप लोगों को पता चल गया 18 तारीख का जो सेटअप होने वाला है वो कतरास के जैसा ही रहेगा, तो जिनको भी देखना होगा, आप लोग काफी ज्यादा लाइव में भी कमेंट कर रहे थे, लोकेशन एक बार बोल दीजिए लाइव में काफी ज्यादा कमेंट। दोस्तों अगर दूर से आप लोग आ रहे हैं और अगर सुन चुके हैं 10-20 बेस तो आने का जरूरत कष्ट ना करें आप लोग, क्योंकि दुर्गा पूजा आप लोगों को बड़ा रोड से मिलेगा ही, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे थोड़ा सा थाना पुलिस का परमिशन का विषय, अगर ज्यादा भीड़ हम लगा देंगे ना तो फिर कल मतलब मेरा दिक्कत कर देगा, इसीलिए। वैसे लोकेशन हम लोग का भीमकनाली नाम है जगह का, बागमारा एरिया में ही पड़ता है भीमकनाली, बड़ा पानेटी SS फिटनेस जिम का वो विसर्जन है। तो ठीक है, जिनको भी आना है आ सकते हैं, नहीं सुने हैं तो आइए, और वैसे वही सेटअप रहने वाला है, तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो फाइनली दोस्तों अभी हम लोग अपने रूम पे आ चुके हैं और रात के करीब 11 बज रहे हैं, और जो सेटअप था वो प्रतिमा विसर्जन के लिए निकल चुका है, और हम लोग खाना वगैरह खाने के बाद अभी अपने रूम पे हैं। तो उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा है, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, जैसा भी आपका राय हो सुझाव हो वो आप लोग कमेंट पे दे दीजिएगा। और बाकी नेक्स्ट रोड शो डीजे शशि का आप लोग को देखने को मिलेगा हमारे यूट्यूब चैनल में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।